नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है और आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। हमारा ये जो एपिसोड है ये बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं जो हमारी मदद करेंगे इतिहास के पन्ने पलटने के लिए। लेकिन उनसे परिचय कराने के पहले कुछ ओपनिंग रिमार्क्स। इतिहास ऐसे तो अतीत के बारे में होता है, लेकिन कहा जाता है कि हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ द प्रेजेंट बाय मींस ऑफ द पास्ट। द प्रेजेंट इज अ प्रिजनर ऑफ द पास्ट इन मेनी वेज। सभ्यता के शुरुआत से ही औषधियों की जरूरत थी, होती थी। गुड हेल्थ और डिजीज हमेशा से ही काउंटर बैलेंसिंग फोर्सेस रही हैं। इसीलिए औषधियों, मेडिकल प्रोसेसेस और इंटरवेंशंस इसकी जरूरत हमेशा से होती रही है। अक्सर ऐसा लगता है कि मॉडर्न जो मेडिकल सिस्टम है, जो एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम है जिसकी आज ज्यादा प्रैक्टिस होती है, इसके पहले भारत में कुछ था ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। इसकी स्टडी, इसको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने 1995 में हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन मेडिकल सिस्टम्स की स्थापना की थी। नवंबर 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब इस डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया गया और डिपार्टमेंट ऑफ आयुष कर दिया गया। आयुष का मतलब आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी। नवंबर 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीनों के बाद इसको एक सेपरेट मिनिस्ट्री ही बना दिया गया। लेकिन पिछले 6 सालों से हमको ये लगता है कि आयुष की शुरुआत आयुर्वेद से होती है और योग पे आकर खत्म हो जाती है। जो बाकी जो सिस्टम्स हैं उसके बारे में कोई ज्यादा बात होती ही नहीं। राजनीतिक नैरेटिव में मध्यकाल को 1200 साल की गुलामी का पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड को नेगेटिवली पोर्ट्रेट किया जाता है। कहा जाता है कि इससे पहले, मतलब 1200 साल के पहले का जो पीरियड था, उस पीरियड में सब कुछ अच्छा था, भारत एक सोने की चिड़िया थी। हर चीज की तरह आयुर्वेद और योग को भी परफेक्ट मेडिकल सिस्टम्स के तौर पर डिपिक्ट किया जाता है। COVID-19 पैंडेमिक से बचने के लिए प्रधानमंत्री से लेके सरकार के हर लेवल पे कहा जाता है कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करनी चाहिए और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रॉम्प्ट किया जाता है कि आयुष की वेबसाइट में जो काढ़ा बनाने की पद्धति है उसको हर एक कोई बनाए और उसको अपनाए, उसको रेगुलरली कंज्यूम करे। मॉडर्न एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम्स के बारे में तो हम लोगों की काफी कुछ जानकारी है क्योंकि उसके बारे में चर्चा होती रहती है। मगर वो जो आइडियल गोल्डन पास था और मॉडर्न पीरियड के बीच का, जिसको 1200 साल की गुलामी या एक डार्क एजेस बोला जाता है, उस समय के जो मेडिकल सिस्टम्स थे उसके बारे में भारत में बहुत कम जानकारी है और भी कम चर्चा होती है उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में। सवाल यह उठता है कि क्या हमारे मिडिवल एरा में मेडिसिन के नाम पर कुछ नहीं था? क्या मिडिवल इंडिया में मेडिकल साइंसेस की कोई प्रोग्रेस नहीं की थी? हम आज इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर फरहत हसन। फरहत भाई बहुत लंबे समय से मिडिवल इंडिया का अध्ययन करते आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरहत भाई हमसे जुड़ने का। सबसे पहले तो हम आज जो है COVID-19 के युग में गुजर रहे हैं, तो डिजीज और हेल्थ को लेके एक प्रीऑक्यूपेशन है। हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि आज से 500, 600, 700 या 800 साल जो मिडिवल, जो मध्यकाल है, उस पीरियड में हेल्थ और डिजीज को लेके किस तरह के परसेप्शंस थे, लोग क्या इसके बारे में सोचते थे? देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा और बहुत
मतलब बहुत ज्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि मेडिकल नॉलेज जो है वो मॉडर्न जमाने में ही आई, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत डायनेमिक, बहुत इंगेजिंग मेडिकल ट्रेडिशंस इंडिया में रही हैं, और इसमें खास तौर पे दो दो स्ट्रीम्स बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। एक तो आयुर्वेद ट्रेडिशन ऑफ मेडिसिन था और दूसरा यूनानी मेडिसिन था। दोनों इतने अलग प्रिंसिपल्स पे बेस नहीं थे, और इंडिया में खास तौर पे मुगल पीरियड की बात थी कि दोनों में बहुत इंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, दोनों में कॉन्वर्सेशन बहुत एक्टिव है, इसलिए साइंसेस स्टैगनेंट तो नहीं थे। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये है कि एक हेल्दी बॉडी जो है उनके यहाँ है, एक वो कहलाता है ह्यूमरल थियरी ऑफ बॉडी। चार ह्यूमर्स होते हैं, फायर है, वाटर है, एयर है, अर्थ है। इन चार चीजों का हार्मोनियस बैलेंस जो है मेक्स फॉर अ हेल्दी बॉडी, और जब इनमें संतुलन बिगड़ जाता है दैट लीड्स टू डिजीज, उससे बीमारियां आती हैं। तो एक एक इंसिस्टेंस है कि हमें अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को इस तरह गुजारना चाहिए कि ये बैलेंस हमारा मेंटेन रहे। दैट्स हाँ, संतुलन। हाँ, तो ये नोशन है हेल्थ का। इसमें तीन चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि ये संतुलन बनाने के लिए बॉडी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो एक एक्सेस के खिलाफ है मेडिकल ट्रेडिशन, किसी किस्म का एक्सेस नहीं होना चाहिए, ना खाने में, ना प्लेजर्स में, ना कंजम्पशन में। ये एक बहुत बड़ा अंतर है विद हमारे मॉडर्न समाज में, जिसमें कंजम्पशन और एक्सेस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो मिडिवल पीरियड का मेडिकल ट्रेडिशन है वो इसके बहुत खिलाफ है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो ये है कि बॉडी जो है वो दूसरों के बॉडी से अलग नहीं है, बॉडी जो है वो समाज से टाइड अप है। सो एक वो नोशन बॉडी का नहीं है कि हमारी बॉडी और बॉडी से अलग है, या हमारी बॉडी सोशल बीइंग से नहीं है। तो बॉडी का समाज से बहुत गहरा ताल्लुक, ओके इसलिए ये भी, और समाज की वजह से एनवायरनमेंट से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो हेल्थ का नोशन जो है वो बॉडी तक सीमित नहीं है, वो हमारे समाज की प्रैक्टिसेस पे भी जाता है। तो हकीम और आयुर्वेद जो डॉक्टर्स हैं, एक सेकंड खत्म, उनका कंसर्न सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, उनका कंसर्न ये भी है कि समाज में क्या हो रहा है। ये जो व्यू है हेल्थ का और मेडिसिन का, वो समाज से इंटीग्रेटेड है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आज की सोच में, जबकि आज जो है ट्रीटमेंट और डिजीज का नोशन बॉडी पे सेंटर्ड है, इसके आगे कोई सवाल नहीं होता है, कोई और सवाल नहीं आता है। आप कुछ कह रहे थे? आपकी बात से लेता हूँ कि अब जैसे हम लोग COVID-19 के बीच में बिल्कुल फंसे हुए हैं, तो एक तरह से पूरा का पूरा जो इंसान जो है, इंडिविजुअल जो है, वो अकेला नहीं है, वो सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है। जो सोसाइटी में होगा उसके हेल्थ को इफेक्ट करेगा। तो सिमिलरली जैसे अभी एक हम लोग एक पीरियड देख रहे हैं जिसमें मास डेथ्स हो रही है, अल्टीमेटली जाके फेटलिटीज कितने पे जाके पड़ेंगी वो हमको पता नहीं है। अच्छा, मास डेथ्स जो है इतिहास में, खासतौर से मिडिवल एरा में भी बहुत कॉमन था। डेथ्स होती थी या तो फैमिन की वजह से या फिर एपिडेमिक्स की वजह से। उनमें एक इंटरकनेक्शन के बारे में भी हम बहुत सुनते हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो पीरियड आते थे, मैं उनको नहीं दोहराना चाहता कि 1331 और 1334 के बीच में कहाँ फेमीन हुआ, 2000 हाँ टाइमलाइन की बात नहीं करें। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि हम लोग अभी ग्रैपल करेंगे कुछ ही दिनों में रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी के बारे में, हमारे समाज को बहुत बुरी तरह से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, हर रिश्तों को दोबारा से बनाना पड़ेगा। लोग माइग्रेट करके, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग कहाँ से कहाँ माइग्रेट करके चले गए हैं। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम इंडिया में तो खासतौर से देख रहे हैं। तो मिडिवल एरा में किस तरह से ये रिस्ट्रक्चरिंग, किस तरह से सोसाइटी का रिवाइवल होता था, किन चीजों से हम लोग लेसन्स लर्न करके हमारे आगे के लिए हम लोग तैयार हो सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि दो तीन चीजें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और आजकल के एक्सपीरियंस देख के हमें बहुत इसकी अहमियत समझ में आ रही है। एक तो ये जो आइडिया है कि हम तनहा नहीं है,
हम समाज के इंटीग्रेटेड पार्ट हैं। इसलिए एपिडेमिक्स मेडिवल पीरियड में भी हुए, दे हैव दिस ट्रिनिटी ऑफ कॉलरा है, प्लेग है, स्मॉल पॉक्स है, इससे फेटेलिटीज बहुत हाई होती हैं, लेकिन उनकी उनका इंटीग्रेशन टू द सोशल वर्ल्ड में बहुत इजी है। हमारे यहाँ एक तो इस चीज को बहुत जहन में लाना पड़ेगा कि ये जो एपिडेमिक्स है, ये जो है, ये वो मौके होते हैं जब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बाकी इंसानों से, हमारा समाज से कैसे लिंकेजेस हैं। यही पास्ट का लेसन सिखाता है कि जब भी एपिडेमिक आया है, एक तो उसका पेन, उसकी सफरिंग कम हुई है। ये भी बड़ी सरप्राइजिंग है कि जो यूरोपियन विजिटर्स इंडिया आए हैं, एट द टाइम व्हेन दे केम अक्रॉस दिस, उन्होंने एक बात बहुत अहम कही है कि यहाँ पे फिर भी कंपेयर टू यूरोप लोग इतने परेशान नहीं होते जितने वहां होते हैं यूरोप, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है। मेरा ख्याल है एक चीज तो ये बहुत अहम है। इसका ये मतलब नहीं है कि मिडिवल पीरियड में सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। आई डोंट नो मेरे पास टाइम कितना है, बट लेट मी ब्रीफली नरेट इट। अर्ली 17th सेंचुरी का वो कहता है कि प्लेग का साइन ये है कि अगर यू हैव अ रैट, अगर आप किसी चूहे को देखें जो बहुत इराटिकली बिहेव कर रहा है, अपना सर दीवार पर मार रहा है, तो समझ लीजिए प्लेग आने वाला है। और उससे बचने का एक ही तरीका है। इसमें दो बातें बहुत अहम है। ये रियलाइजेशन है कि प्लेग इज कॉज्ड बाय रोडेंट, राइट, और ये भी रियलाइजेशन है कि यू नीड टू प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग टू गेट आउट ऑफ द डिजीज। तो ये भी नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब नहीं है कि जो सोसाइटी का ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है वो आप भूल जाओ, वो आप तोड़ दो, उसी से ही आपको रिकवर भी होना है। तो एक फेज डिस्टेंसिंग का है, तो दूसरा फेज ये है कि ऑर्गेनिक यूनिटी वापस लानी। राइट, आप बोल रहे थे कि मिडिवल एरा में बहुत सोशल सपोर्ट की और सिक्योरिटीज देखने को मिलती है, जो अनफॉर्चुनेटली इस पूरे दौर में हम लोग खासतौर से माइग्रेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं बिल्कुल कोलैप्स कर गई है। माइग्रेशन मिडिवल एरा में भी रहा होगा बिकॉज ऑफ एपिडेमिक्स, बिकॉज ऑफ फैमिन्स, तो उसे किस तरह के सोशल चेंजेस आए और किस तरह के सोशल चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते? हाँ, उसमें देखिए दो चीजें तो मैं बहुत एम्फसाइज करना चाहूंगा कि ये सोच तो गलत है कि आजकल के जो समाज है, आजकल की जो सोसाइटी है, वो बहुत मोबाइल है, आइटिनरेंट है। मुगल पीरियड में, मिडिवल पीरियड में भी कम्युनिटीज वर वेरी मोबाइल एंड आइटिनरेंट, और ऐसी सिचुएशन में दे प्रिफर्ड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी कि एक जगह से दूसरी जगह जाएं, और जाया करते भी थे। तो लेकिन दो चीजें बहुत अहम है। एक तो ये है कि जब वो जाते थे तो जाते थे नॉट एज इंडिविजुअल्स, एज ए कम्युनिटी, एज इंटीग्रेटेड विद ए लार्जर सोशल वर्ल्ड, और उससे ये जो मूवमेंट है दिस बिकेम लेस पेनफुल। दूसरा ये भी है जो आज से बहुत कंट्रास्ट है, इवन एज दीज वर डिस्पोटिक गवर्नमेंट्स, हाईली ऑप्रेसिव जो मेडिवल पीरियड में है, मोनार्कीज हैं, लेकिन ये कन्विक्शन जरूर है कि इन मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस द स्टेट नीड्स टू कम आउट इन सपोर्ट ऑफ द पीपल। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट जस्टिफिकेटरी और लेजिटिमेटरी प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। अगर आप बादशाह हो तो आप, इफ यू इग्नोर द पीपल इन मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, देन यू सीज टू बी रूलर। आइडिया ये है ना कि ही इज द वन हु नीड्स टू प्रोटेक्ट पीपल, और प्रोटेक्ट एक ही रोल है सॉवरेनिटी का, वो है प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सब्जेक्ट्स। तीसरा ये भी है कि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज का समाज जो है, मॉडर्न समाज जो है, उसका जो बेसिस है वो इंडिविजुअलिज्म है। इंडिविजुअल का आइडिया जो है वो ऐसा डेवलप हुआ है कि इट नॉट ओनली बिकम्स अचीवमेंट ओरिएंटेड, बट इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड। मुझे सिर्फ अपना देखना चाहिए। ये आइडिया एब्सेंट है मेडिवल पीरियड। आइडिया ऑफ द इंडिविजुअल इज एब्सेंट। अपने आप को आदमी डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ हिज नेटवर्क्स ऑफ रिलेशनशिप्स। तो इवन इन सेल्फ नैरेटिव्स दैट आप देखते हैं मेडिवल पीरियड में,
तो सेल्फ इज नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ योर ओन अचीवमेंट्स, सेल्फ इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स विद अदर्स. तो वो भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है, जिससे आज आप देखते हो कि ऐसी क्राइसिस में हर इंसान बहुत वल्नरेबल है, हर इंसान बहुत वल्नरेबल है. और एक इंसान दूसरे इंसान से रीच आउट करने के लिए ही इज बिरेफ्ट ऑफ एनी सिंपैथी, एनी कंपैशन, वो आइडिया खत्म हो रहा है, जो कि बहुत पेनफुल है. ऊपर से विक्टिमाइजेशन भी है, ब्लेम गेम बहुत है, हम अपनी बीमारी के लिए किसी ना किसी को ब्लेम किया जा रहा है. क्या ये मिडिवल एरा में भी देखा गया था कि अगर एपिडेमिक आया तो इसकी जिम्मेवारी किसी एक कम्युनिटी पे या किसी इंडिविजुअल पे या किसी चीज पे दी जाती थी? हाँ, नहीं ये तो नहीं देखा गया है, लेकिन तीन चार चीजें देखी गई हैं. जैसे 14th सेंचुरी में बहुत मेजर यूरोप और एशिया में एपिडेमिक आया है, और उसको मुगल एम्पायर में भी है, ऑटोमन एम्पायर में भी है. लेकिन दो चीजें हुई हैं, एक तो मंगोल रिसीट कर गए हैं, सो पॉलिटिकल वैक्यूम हुआ है, और साथ में एक बहुत मेजर एपिडेमिक भी आया है. ना उसमें तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग आई हैं. एक तो यह कि उसके एपिडेमिक के इमीडिएटली बाद और आप पूरे एशियन वर्ल्ड में, चाहे आप चाइना देख लीजिए, जहां पे चाइना का मंगोल युआन डायनेस्टी इज रिप्लेस विद मिंग डायनेस्टी, चाहे आप इंडिया देख लीजिए जहां यू हैव द मुगल एम्पायर, ईरान देख लीजिए यू हैव द सफ़ावेद एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर देख लीजिए इन मिडल ईस्ट. You have the emergence of a centralized bureaucratic states. इसकी दो कारण है. एक तो ये है कि जो पहले के states हैं वो because of the epidemics कमजोर पड़ गए हैं, तो जो enterprising लोग हैं वो उसका फायदा उठाते हैं to create big dynasties. लेकिन साथ साथ ये भी है, epidemics जो है वो एक excuse मिल जाता है to create more autocratic, more disciplined, more centralized structures of governance. तो एक ये तो देखा गया है. दूसरा ये भी देखा गया है कि एक insistence हो जाती है on homogeneity. तो जो जो अलग सोचते हैं, तो heterodox belief systems के लिए एक certain intolerance भी देखी गई है. Because ये सोचा जाता है कि ये 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 this is a curse from God. और ये कर्ज भगवान ने इसलिए भेजा है बिकॉज देयर हम में से कुछ लोग हैं जो भगवान को सही तरह नहीं मानते. तो जो जो हेट्रोडॉक्स ग्रुप्स हैं, जो रैशनलिस्ट हैं, उन पे उनके लिए इंटॉलरेंस बढ़ता है, ये भी देखा गया है. लेकिन साथ एक चीज और बताना चाह रहा था बस लास्ट मोमेंट, एक एक ये भी है, इट ऑल्सो लीड्स टू द इमर्जेंस ऑफ एन एक्सट्रीमली क्रिएटिव कल्चर इन द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम. चाहे मुगल एम्पायर हो, यू आपने देखा होगा रैशनलिस्ट स्कूल का डेवलपमेंट है, यू हैव अबुल फजल, यू हैव फतेहुल्ला शिराजी, ऑटोमन एम्पायर में भी यू हैव यू नो ईरान में यू हैव हाफिज, और आउटसाइड एशिया यूरोप में यू हैव द बिगिनिंग ऑफ रेनेसां. तो इट ऑल्सो लीड्स टू द इमर्जेंस ऑफ ए क्रिएटिव, ये क्रिएटिविटी भी तब आती है व्हेन एग्जिस्टिंग बिलीव्स अपीयर टू बी इनएडिक्वेट. आपको लगता है कि जो हम बिलीव करते थे उनसे आंसर नहीं मिले हमें, और वो ट्रेजेडी आपको बताती है कि आपके बिलीव्स की इनएडिक्वेसी क्या है. तो एक नई खोज, नई आइडियाज और एक नई क्रिएटिविटी का बर्थ भी हुआ है, ये देखने को मिला है. लेकिन इस पीरियड में अभी तक, मतलब ठीक है, मतलब वी आर स्टिल इन द मिडल ऑफ द क्राइसिस, अभी तक हम लोग बाहर नहीं निकले, काफी वक्त लगेगा, और शायद एक्सपेक्ट करना कि इस पीरियड में एक क्रिएटिविटी का बर्स्ट होना चाहिए, मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ी जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. हो सकता है कि वक्त के बाद काफी क्रिएटिविटी का एक नया बर्स्ट देखने को मिले, एक नई किस्म की क्रिएटिविटी. एक चीज जरूर देखने को मिल रहा है जो बहुत आपके बात से समझ में आ रहा है कि पहले जहां कलेक्टिव था, यहां पे हर इंसान अकेला खड़ा है, और पहले जहां सरकार, मतलब ठीक है, मतलब बादशाह होता था, लेकिन हम सरकार की बात करें तो सरकार जो है सिटीजन्स को अपने मान के उनको जितना ज्यादा हो सकता था सपोर्ट देने की बात करती थी. यहाँ पे मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़ी कमी रह गई है. आपने कर्ज वर्ड की भी बात की, एक छोटा सा नगेट मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ भी और हमारे व्यूअर्स के साथ भी. मैं पढ़ रहा था इस पर आपसे चर्चा करने के लिए, मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा एमएससी हिस्ट्री पढ़ाई,
तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ इलनेसेस। हमको अलग स्मॉल पॉक्स की देवी है शीतला माता, काफी अभी भी करंट ट्रेडिशंस में कई जगह शीतला माता को पूजा जाता है। गॉडेस ऑफ कॉलेरा भी थी उसको, मजेदार मैंने डिस्कवर किया कहीं टेक्स्ट में पढ़ा था कि हिंदू लोग जो थे उस गॉडेस को उलाई चंडी बोलते थे। वहीं पे मुसलमानों में भी एक देवी थी उसकी कॉलेरा की, उसको वो लोग उलाई बीबी के नाम से बोलते थे। पता नहीं कंजर्वेटिव इस्लाम को किस तरह से देखा जाएगा, लेकिन जहां तक पॉपुलर बिलीफ की बात थी, लोगों को जब परेशान होते थे तो एक अननोन पावर से अपनी सोले से अपने क्योर ढूंढते थे, क्योंकि मेडिकल सिस्टम्स की भी शायद उतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। उसी के कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहता हूँ यूनानी सिस्टम के बारे में, खास तौर से उस पीरियड में, मिडिवल एरा में फ्लरिश करता है इंडिया में, आ तो जाता है, पहले 8th-9th सेंचुरी में एडवेंट देखने को मिलता है, और आयुर्वेद के साथ जैसे आप कहते एक बहुत डायनेमिक रिश्ता था। मिडिवल एरा में यूनानी मेडिसिन का एक खास चीज देखने को मिलता है, वो पूरी तरह से सोशली इंटीग्रेटेड है, स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है फंडिंग और डेवलपमेंट के लिए, लेकिन पॉलिटिकल बिल्कुल इन्फ्लुएंस है सिस्टम पे। इसको आप कैसे एज हिस्टोरियन आप देखते हैं? हाँ, देखिए इसमें मेरा ख्याल है तीन चीजें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो यही जो मैंने कहा कि जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये डिस्क्रीट एंटिटीज नहीं है। इनमें इनमें इंटेंगलमेंट्स हैं, इनमें कनेक्शंस हैं, इनमें कॉन्वर्सेशंस हैं। साथ साथ जो लोकल विजडम है और लोकल बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो भी इनसे इंटरैक्ट करते हैं। तो इसलिए जो जो मेडिकल विजडम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसमें ना सिर्फ ना सिर्फ मेडिसिन्स हैं, ना सिर्फ क्योर्स हैं, बट ऑल्सो इस तरह की चीजें भी हैं, भगवान भी हैं, गॉड्स भी हैं, गॉडेसेस भी हैं। तो एक एक बहुत ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है जो मेडिकल ट्रेडिशन को डिफाइन करता है। एक दूसरा ये भी है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये नहीं है कि आप यूँ सोचें कि सिर्फ सुपरस्टिशन ही चल रहा है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज ऑल्सो अवेयर ऑफ वैक्सीनेशन। जैसे स्मॉल पॉक्स के लिए दे डिस्कवर्ड काउ पॉक्स एज अ क्योर टू स्मॉल पॉक्स, उसका वैक्सीनेशन भी इन्होंने डेवलप किया है। तो ये भी नहीं है कि आप यूँ समझो कि सिर्फ ये सोचते रहते हैं। इसके बारे में भी मेरे को मतलब कुछ टेक्स्ट में मैंने देखा, इसको इस प्रोसेस को बोलते थे कि वैल्यूएशन। इसमें क्या हाँ, करते यू राइट। थे, ड्राई द पस को लेके उसमें पस लेते थे किसी नीडल या किसी और इक्विपमेंट लेके, और फिर उसको करते थे स्किन के नीचे, और फिर उस समय में मैंने देखा कि क्वारंटाइन का नोशन था कि उनको बोलते थे कि कमरे में बंद रहेंगे और उसके अंदर उसको बाहर एग्जैक्टली खाना एग्जैक्टली पीना दिया जाता था अगर उनको लगता था। उसी पीरियड में उसको बुखार होता था, क्योंकि लोगों को पता था इसको जर्म दिया गया है, कीड़ा दिया गया है, तो उसको बुखार होगा। और ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में विश्वास था, तो बाहर पूजा पाठ रेसिपी हिम्स ये सब वो सब भी होता था। हाँ शीतला माता को पूज रहे होंगे, कुछ लोग और देव देवताओं को पूज रहे होंगे, तो वो पूरा प्रोसेस देखने को मिलता है। जो कुतुब कुली शाह का जो हॉस्पिटल बनाया था हैदराबाद में, वहां पे भी आपको क्वारंटाइन सेंटर एक अलग से मिलता है, उसके बारे में रेफरेंसेस होते हैं। बाहर से आने वाले अटेंडेंट के लिए, पेशेंट के अटेंडेंट्स के लिए ही लॉज है। तो एक तरह से जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है उसके हमको बहुत अर्ली साइंस देखने को मिलते हैं मिडिवल एरा में। एग्जैक्टली सर। और जगह भी देखने को मिलते हैं या ये जस्ट वन ऑफ इंसिडेंट्स हैं या इस तरह? नहीं, ये बहुत कॉमन इंसिडेंट है। देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि जब सिस्टम ऑफ मेडिसिन बहुत इंटीग्रेटेड है, बहुत ऑर्गेनिक है, तो ये जो एक तरीका तो यही है कि आप जो इनके पूजा पाठ है उस पर फोकस करें और बाकी चीजें इग्नोर कर दें और कहें साहब ये कुछ नहीं है तो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस हैं। जी ऐसा नहीं है, दोनों चीजें इंटीग्रेटेड हैं। तो एक्चुअली वो जो मेडिकल इंटरवेंशन है लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, और जो जो इनका और जो और इवेंट्स हैं, जो रिचुअल्स हैं विच ऑल्सो गो इन टू द मेडिकल ट्रेडिशन, सिर्फ इसको फोकस करके इनको
यू नो स्टैग्नेंट डिगेडेंट ट्रेडिशन देते हैं। ये एक वो भी है, डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी भी है, डिस्कोर्स ऑफ प्रिविलेजिंग यूरोपियन मेडिकल ट्रेडिशन ओवर इंडिजिनस मेडिकल ट्रेडिशन भी एक कारण है। तो उस वजह से ये चीजें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि ये बहुत डायनेमिक बहुत इंगेजिंग मेडिकल ट्रेडिशन थी। इसकी सिग्निफिकेंस हमें तब भी नजर आती है जब हम यूरोपियन मेडिकल ट्रेडिशन का इंट्रोडक्शन इंडिया में देखते हैं इन द 18th सेंचुरी। और कई लोगों ने अब काम किया है तो दिखाया है कि यूरोपियन मेडिकल ट्रेडिशन भी एटलीस्ट इनिशियली 19th सेंचुरी तक बहुत बोरो कर रही है फ्रॉम द यूनानी एंड द आयुर्वेदिक मेडिकल ट्रेडिशन। तो ऐसा नहीं है कि देवर पोलर ऑपोजिट्स और एक स्टैग्नेंट है, डिकेडेंट है, एक प्रोग्रेसिव है, ऐसा नहीं है। बहुत इंगेजिंग, बहुत ये अलग बात है कि 19th सेंचुरी के बाद बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ कोलोनियलिज्म यूरोपियन मॉडर्निटी ये इन सबको फिर दरकिनार कर दिया गया एंड दे केम टू बी सीन एज यू नॉट जस्ट ये इंडिजिनस। फिर तो यही हुआ कि जो भी एशियन नॉलेज है सब बेकार है, तो उनकी उनकी रिलीजन भी बेकार है, उनकी फिलोसफी भी बेकार है, उनकी मेडिसिन भी बेकार है। तो वो तो दैट केम मच लेटर, लेकिन हमें उस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए व्हेन वी लुक एट आवर पास्ट। आई थिंक दैट्स अ वेरी मतलब बहुत सही बात बोली आपने। लेकिन जो आज के COVID-19 के कॉन्टेक्स्ट में द बिगेस्ट मैसेज व्हिच कम्स आउट फ्रॉम द डिस्कशन विद भरत हसन ये है कि हमको सोशली इंटीग्रेटेड रहना है और हमको एक कलेक्टिव स्पिरिट बनानी, इंडिविजुअल आइडेंटिटीज में क्राइसिस फेस करने में शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो उसीलिए हमको इस लेसन ऑफ द पास्ट, हम लोग शुरू में ही बोल रहे थे कि प्रेजेंट को समझने के लिए इज ऑलवेज अ प्रिजनर ऑफ द पास्ट, तो वी आर प्रिजनर्स ऑफ द पास्ट, सो इट्स बेटर दैट वी गो मतलब दोबारा जाएं और जाके समझे पास्ट से और अपनी स्थिति को बेहतर बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। धन्यवाद। Thank you.